अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही बहुत ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे हिम्मत दो, उसका सहारा बनो, क्योंकि बुरा वक्त तो कुछ दिन में चला जाएगा लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य पूरा दिन काम करके इतना नहीं थकता जितना वो चिंता और क्रोध करके थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान हवा की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, आप खुद की मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने पर मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपना सारा दर्द और परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान पर छोड़कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके हजार बार बोले हुए मीठे शब्द को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है और ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे दूसरों से नफरत करना छोड़ो। आगे जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो बुरा लगता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास अभी जितना भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, बार बार करो। यकीन मानो, जितना भी है उसका कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, फिर साथी छूटे, फिर राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। जो नहीं छूटा वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने के बावजूद कैसे खुश रहा जा सकता है, श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जीवन में जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करते रहें। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं
अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके अंदर है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत हमेशा अच्छे रखो, फिर आपके दुख प्रभु स्वयं खत्म कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी तोड़ना नहीं और दुनिया वालों से उम्मीद कभी जोड़ना नहीं। सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात सदैव याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना प्रेम मिलता है और ना इज्जत, इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। मनुष्य की कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की जिद बन जाती है।